ये वर्ष अमृत काल का प्रथम वर्ष है। स्वाधीनता के संघर्ष में लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये मंगल कलश हमारे हाथ में दिया है। कोई नेता संविधान से मैं बड़ा हूं ये भावना से अगर शब्दों का इस्तेमाल करता है, कृति करता है, आचरण करता है, तो ऐसे लोगों के लिए सबक ये संविधान के चौकट में देने की आवश्यकता होती है। न्यायपालिका ने 2 वर्ष की शिक्षा दी, हम अपने बेताल वक्तव्य पे कायम रहते हैं, महामानवों का अपमान करते हैं, ऐसी एक्शन और कृति करते हैं कि जिसके पीछे कभी कभी ये शंका आती है कि इस देश को अस्थिर करने के लिए क्या इन व्यक्तियों का उपयोग हो रहा है, क्या ऐसी शंका आने वाले बेताल वक्तव्य और कृति होती है। ऐसे समय में संविधान की चौकट में जो भी निर्णय है वो निर्णय चौकट में होते हैं और देश में सभी लोग ये जान जाए कि देश से, संविधान से कोई भी व्यक्ति कितना भी अमीर हो, कोई भी पद पे हो, वो बड़ा नहीं हो सकता। देखो, संविधान की चौकट में जो अधिकार है उसके आधार पे ये होता है। अब आपको पता है 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वर्गीय इंदिरा जी के बारे में जब निर्णय दिया था, वो समय में ऐसे कई सांसदों की सदस्यत्व को रद्द की कर दिया था। तब तो कोई आनी बानी जो है वहां तो गलत इस्तेमाल किया गया, मगर आज कोर्ट ने इस बात को सबूत के रूप में कहा है कि 2 वर्ष की शिक्षा, इनके सबूतों को देखने के बाद 2 वर्ष की शिक्षा दी जा रही है, तो जो नियम के चौकट में होते रहेगा। अमृत कागाचं पहिलं वर्ष आहे। संविधानाच्या चौकटीत व्यक्ती छोटा की मोठा, कोणत्या जातीपाती धर्माचा आहे महत्वाचं नाही, किती श्रीमंत आहे हेही महत्वाचं नाही। संविधानाच्या चौकटीमध्ये जर तुमचं आचरण नसेल, कृती नसेल, भाष्य नसेल, वक्तव्य नसेल, वागणूक नसेल, तर मग अशांवर संविधानाच्या चौकटीमध्ये कृती होते। या अगोदरही बघितलं असेल की काही लोकसभा सदस्यांनी प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतले असं रेकॉर्डिंग आलं होतं, तेव्हाही संसदेने संसदेच्या श्रेष्ठ प्रथा परंपरा विचारात घेऊन अशा सर्व लोकांचं सदस्यत्व हे रद्दबदल करण्यात आलं होतं। आता पुन्हा एकदा संसदेची गरिमा, संसदेची प्रतिष्ठा संविधानाच्या चौकटीमध्ये जे योग्य आहे त्याचा निर्णय करण्यात आला आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।